राम राम शाह जी, माता जी की जय। श्री देवदनी दरबार की जय। वीर तेजा जी महाराज की जय। श्री राम, श्री कृष्ण, जय जय शिवाजी महाराज। मैंने अभी भी न्यूज़ देखी है, पालघर में जो कांड हुआ है महाराष्ट्र में, शिवाजी महाराज की भूमि में, जहां भगवा के लिए उन्होंने अपनी प्राण त्याग दी, भगवा के लिए अपना साम्राज्य उन्होंने खत्म कर दिया, उस परम भूमि में दो संतों को पुलिस कर्मियों के सामने बेरहमी से मार दिया है। क्या हमारे हिंदुस्तान में यही रह गया? क्या हमारे हिंदुस्तान में भगवा की कोई महत्व ही नहीं रही? सब खत्म हो गया। बहुत सारे लोग ऑनलाइन आके बोल रहे हैं कि इसकी ठीक से जांच करें और उनको फांसी दे। नहीं, उनको फांसी नहीं होनी चाहिए। सालों को एनकाउंटर कर दो पकड़ के। क्यों इतना सहन कर रहे हो मोदी जी? आप जो इस भारत के नागरिक नहीं है उनको एनकाउंटर करो। आप आपसे नहीं होता है तो हमको सौंप दो। हिंदुस्तान की जनता है, हम माधर चौधरी के छीतड़े उकेर देंगे। खून जल गया है मेरा अंदर से। पुलिस वाले साथ थे जब एक एक दूसरा नागरिक, अगर हिंदुस्तान का नागरिक कोई नियम तोड़ता है तो पुलिस वाले उनकी आरती उतारते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं। तो भगवा रंग के अंदर जो उनको बेरहमी से मार दिया है, जब पुलिस वाले कहाँ गए थे? क्या पुलिस वालों के पास ऑर्डर नहीं है? क्या सरकार उनको इजाजत नहीं देती है? जो भारत का नहीं है, जो भारत को नहीं समझता है, जो भगवा रंग को नहीं समझता है, उनको गोली मार दो। मत उनके सर पे, ये पैर उनके सर पे मत चढ़ो। आप इतना सहन मत करो। आपको किसी का डर है क्या? पूरी हिंदुस्तान की जनता आपके साथ है मोदी जी। आप क्यों इतना सहन करते हो? मैं आए दिन न्यूज देखती हूँ, मेरा खून खौलता है, मैं तड़पती हूँ अंदर से। मेरे सामने हो तो मैं तलवार से झटका कर दूँ उनका। इतनी हिम्मत रखती हूँ मैं। मैं अभी सॉन्ग बना रही थी यहाँ बैठी बैठी, अभी मैंने न्यूज देखी है, वो वीडियो देखा है मैंने, जिन्होंने उनको बेरहमी से मारा है। चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो, उसका उससे मतलब नहीं है मुझे, पर मैं हर भगवाधारी से हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। तुम लोग अब तो जागो, क्यों सो रहे हो तुम लोग नींदों में? कोई नहीं बोलता है, कोई भी कलाकार आपको आके ये नहीं बोलेगा, पर मैं बोलती हूँ, मुझे कलाकारों से मतलब नहीं है। मैं हिंदुस्तान की हूँ, मैं हिंदुस्तान के लिए मरती हूँ, मैं भगवाधारी हूँ, मैं भगवा के लिए मरती हूँ। अरे आप लोगों ने इतिहास नहीं देखा है, मैंने देखा इतिहास, मेरे गहरे से पहचाना इतिहास को। भगवा रंग के लिए, भारत के लिए कितना तड़प तड़प के वो अत्याचार सहन करके वो महारानी गई है, वो राजे महाराजे गए हैं। तो महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही, क्या कर रही? कौन सी सरकार है महाराष्ट्र में? उद्धव ठाकरे जी है, मैंने सुना है उनका बहुत बड़ा नाम है। बाल ठाकरे जी के लड़के हैं वो, पुत्र है। उन्होंने तो भगवा के लिए अपनी प्राण तक देने की कोशिश की है बाल ठाकरे जी ने। शिवसेना अध्यक्ष, आप शिवसेना से हो, बहुत बड़ा नाम है शिवसेना दुनिया में। तुरंत एक्शन लीजिए आप, उड़ा दो, एनकाउंटर कर दो, जो होना वो दिखा जाएगा। आप क्यों सहन करते हो इन लोगों की इतनी? मेरे तो ये समझ में नहीं आता है, जब सब कुछ आपके हाथ में। कोई पुलिस वाले को मार रहा है, तो कोई कोई लेडीज को मार रहा है, कोई डॉक्टर को मार। आपको पता है वो कितने तड़पे होंगे? क्योंकि जो मौत भगवान देता है ना अपनों को, उसमें भी बहुत तड़पना पड़ता है इंसान को। उन्होंने तो पत्थर मार मार के, लाठियों से मार मार के, जब पुलिस पे ये हमला हुआ था, पुलिस ने थाने में फोन नहीं किया और पुलिस वाले उन्होंने नहीं बुलाए।
मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, पूरा। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं पागल हूं देश के लिए, भगवा रंग के लिए पागल हूं मैं। मुझे बहुत लोग समझाते हैं कि ऑनलाइन मत जाना, ऑनलाइन मत जाया कर, ये सब अच्छा नहीं है, तुम्हें तुम्हें क्या मतलब दुनिया से, तुम तुम्हारी लाइफ में मस्त रहो, पर नहीं मतलब है मुझे मेरी लाइफ से। मैं नहीं देख सकता ये अत्याचार, क्योंकि मैंने इतिहास बहुत देखा है, मैंने इतिहास बहुत पढ़ा है। शिवसेना अध्यक्ष जो भी है शिवसेना में, मुझे आप देख रहे हो, ये जो भी भगवाधारी है मुझे देख रहे हो, तो प्लीज, बाढ़ में गया कोरोना, मरना एक दिन मर जाएंगे कोरोना से, ऐसे ही तो मर रहे हैं ना लोग, दुनिया फायदा उठा रही है, खत्म कर दो इनको सालों को, जो देशद्रोही है ये। कोरोना 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 कितना सहन करोगे आप, पता नहीं क्यों सहन कर रही है इतना सरकार, क्यों समझ में नहीं आता मेरे तो कुछ भी। मोदी जी, आज अगर भारत की जनता आपसे मोहब्बत कर रही है, आपको चाहती है, भगवान के रूप में आपको पूजती है, तो उसका एक ही रीजन है, जो हिंदू आपको पूजते हैं, एक ही उसका रीजन है कि हमारी माँ भारती, हमारा भगवा रंग कभी नहीं झुकना चाहिए, सुरक्षित रहे, इसीलिए आपको पसंद करती है पब्लिक ना, आपके ये नोटबंदी से पसंद करती है ना, आप और कुछ करो पसंद करती है ना, आप भारत को लेवल पे लाओ इसलिए भी आपको पसंद नहीं करती है। जब हमारे फौजियों की गर्दनें काटी ना, तो पूरा हिंदुस्तान का खून खौल गया था, इसलिए आप उस जगह बैठे हो। ऐसे तो अगर कोई कांड होता है तो वहां आप तुरंत एक्शन लो, ढीला मत छोड़ो, जितना छोड़ना था, जितना कांग्रेस सरकार ने जितना भारत को रंदोलना था उतना रंदोल दिया, अब ऐसा मत करो। आप पे सब उम्मीद लगाते कि मोदी सरकार है, मोदी सरकार है, मोदी सरकार है। मैंने भी भगवा रंग के बहुत सॉन्ग गाए, जब आप पीएम नहीं थे तब मैंने वो सॉन्ग गाया था, भारत री जनता जागो नी जय हिंद बोलो, अब के मोदी जी ने वोट देना। तो मोदी जी, मैं आपसे बहुत उम्मीद करती हूँ, मैं आपसे गर्व करती हूँ आपके ऊपर। आज मेरे सामने कोई आपकी बुराई कर देता है ना, तो मैं उससे भिड़ जाती हूँ, लड़ जाती हूँ, दुश्मनी कर लेती हूँ, तो प्लीज आप भगवान को नीचे ना दिखाए, जिन संतों को बेरहमी से मारा है उन पे आप तुरंत एक्शन ले। ये मैं इसलिए आके नहीं रो रही हूं कि मेरा नाम हो या मैं फेमस हूं, मैं ऑलरेडी फेमस हूं, बहुत है मेरे पास पब्लिसिटी, पूरा राजस्थान है, पूरी भारत की जनता मेरे साथ है, मेरे एक एक गानों पे 10-10 लाख, 5-5 लाख 1 डे में व्यूवर्स आते हैं, मुझे नहीं चाहिए पब्लिसिटी, पर सच में मेरा दिल दुख रहा है। और जो महाराष्ट्र में जो सरकार है, सरकार में इतना दम होता है कि कितनी भी जनता कैटी हो जाए ना, तो वो सरकार के सामने कहीं नहीं टिकती है, तो वो तो कुछ गांव के लोग हैं। इतना अत्याचार सहन मत करो आप, क्यों कर रहे हो आप ये सब, किस चीज का डर है? अरे जंग तो शुरू से छिड़ती आई है, 5 पांडवों को भी लड़ना पड़ा था, युद्ध करना पड़ा था, भगवान कृष्ण को भी युद्ध करना पड़ा था, भगवान राम को भी रावण से युद्ध करना पड़ा था, उसके बाद में महाराणा प्रताप जी को भी युद्ध करना पड़ा था, शिवाजी महाराज को युद्ध करना पड़ा था, माँ पद्मावती को भी अग्नि में स्नान करना पड़ा था, ये तो शुरू से होता आया है, भगवा के लिए, हिंदू तत्व के लिए। पुलवामा में भी इतने कांड हुए, आज फर्क इतना सा हो गया कि आज आम लोग नहीं लड़ते और फौजी अपने लिए लड़ रहे, और युद्ध तो चल रहा है ना, तो किस बात का डर है? हम हिंदुस्तानी सब आपके साथ है,
जो होना वो दिखा जाएगा, पर गुलाम बन के नहीं जीना है। अब खूब जिए, गुलाम खूब बने कांग्रेस की राज में। पर अब मैं नहीं डरता किसी से, मैं खुली बोलती हूँ, मैं सबके लिए खुली बोलती हूँ, मैं नहीं डरती हूँ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना कमेंट से ना किसी चीज से। जब भी मैं कुछ बोलती हूँ उसमें गलत कमेंट भी आते हैं, अच्छे कमेंट भी आते हैं। मुझे बोलते हैं तुम मत बोलो, गलत कमेंट आ रहे, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोलूंगी। कोई तो भगवादारी मेरे साथ है। जिन संतों को महाराष्ट्र में पाल गांव में ना बहुत बुरी तरीके से मारा है, बहुत बढ़िया काम करा इन लोगों ने, जो आप तुरंत एक्शन नहीं ले रहे हो, इसीलिए नहीं ले रहे हो शायद। बहुत उम्मीदें लगा रखी है मोदी जी हमने आप पे। आप सब्जी महंगी कर दो, दाल महंगी कर दो, सब कुछ महंगा कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, खा लेंगे कमा लेंगे। दो हाथ दिए दो पैर दिए भगवान ने, पर हिंदू धर्म पे आंच नहीं आनी चाहिए, ना भगवा रंग पे, ना हिंदुस्तान पे, ना भारत माँ भारती पे। कुछ नहीं बोलूंगा मैं, आप लिख लिख के भेज रहे हो, मैं नहीं बोलूंगा। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं पहले पूरा सुने उसके बाद कमेंट करें, और जो भी मेरे ये फालतू लोग जुड़े हुए ना या जो गलत कमेंट करते हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं है, वो तुरंत यहां से हट जाए मेरे पेज से, वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगी मैं। जो यहाँ के गद्दार कुछ लोग मेरे पेज पे जुड़े हुए हैं उनको वार्निंग दे रही हूं मैं, वरना तुम्हारे लिए ना मुझे बोलने के लिए कोई रोकने वाला नहीं है। मैं किसी से नहीं डरती हूँ धनतर साहब से, ठीक है? तो ये हट जाओ मेरे यहाँ से, दूर रहो मेरे से। जो गद्दार है इस देश के, जो इस देश के इस खिलाफ बोलते हैं, उनको मेरे यहाँ कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। और जो भगवाधारी है, सच्चा हिंदुस्तानी है, माँ भारती का लाल और बाकी में भारत के प्रति प्रेम है, वही मेरे यहाँ कमेंट करे। तेल का मचा रखा है सालों ने, कुत्तों ने, कभी वहां कर रहे, कभी किसको मार रहे, कभी नर्स को मार रहे, कभी क्या कर रहे। मैं तो कहती हूँ हर हिंदुस्तानी इस मुद्दे पे आवाज उठाए, चुप मत बैठो। खूब बैठ लिए चुप अपनों ने, खूब चुप बैठे अपने, जितना सेना था से लिया हमने, अब तो सीना फटके कलेजा बाहर आता है। जितनी सेने की लिमिट थी ना, सर से ऊपर निकल गया। अब तो मेरा पूरा परिवार मुझे बोलता है, तू ऑनलाइन आके क्यों बोलती है, तुझे क्या मतलब है इस दुनिया से, तेरे काम से काम रख। मैं नहीं मानता इन बातों को, क्यों रखूं मैं, इतनी खुद गर्ज हो जाऊं मैं कि मैं किसी के लिए ना बोलूं, क्या ये सही है? बोलूंगा मैं, हजार बार बोलूंगा, जब जब गलत होगा, जब जब बोलूंगी। जब भी हिंदुस्तान के साथ कुछ गलत होगा, भगवा रंग के साथ कुछ गलत होगा, हिंदुओं के साथ कुछ गलत होगा, मैं बोलूंगी। चलती हूँ मैं, पूरा वीडियो सुन के शेयर कर देना आप।
मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, पर मेरा बस कुछ भी नहीं है। मैं एक नॉर्मल जनता से ही हूँ, आपकी तरह, जो सिर्फ सह सकती हूँ, रो सकती हूँ, ऑनलाइन आके अपनी भड़ास निकाल सकती हूँ, आपको कुछ कह सकती हूँ, आपके मुंह पे रो सकती हूँ, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और करूँ भी तो क्या मैं? पर आप है भारत की जनता, अपने सरकार चुनते हैं कि अपने देश में सरकार कौन सी होनी चाहिए। अब तो जाग जाओ जो अंधेरे में जीने वाले लोग हैं, अब जागो। बहुत जिले, इतने बरसों से आप अंधेरे में जी रहे हो, अब तो उजालों को आंखें खोल के देख लो जो उजाला आपके सामने है। अभी भी अगर इस उजाले को अपने नहीं देख पाए ना, तो सही, तो अपने जिंदगी भर जब तक अपने जिएंगे और जब तक अपनी पीढ़ी चलेगी, तब तक अपने अंधेरे में रहेंगे। जय हिंद। शेयर करें, पूरा सुने, उसके बाद ही कमेंट करें। और जो हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है, जो गलत कमेंट करता है, वो फुट हो जाए यहां से।